जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के सुनारी थाना अंतर्गत एरोड्रम बाजार में स्थित एमबी ज्वेलर्स में तीन अपराधियों ने दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देकर अपराधी वहां से फरार हो गए। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त कस्टमर कम थे। तीन लड़के दुकान में घुसे, एक ने नकाब नहीं पहना था, दो लड़कों ने नकाब और टोपी पहन रखी थी। उन लोगों ने पहले अंगूठी मांगी, इसके बाद एक अपराधी ने पिस्टल निकालकर सबको धमकाने लगा। इसके बाद तीनों ने 2 लाख के नगद लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एमबी ज्वेलर्स शॉप में 3 हथियारबंद अपराधियों द्वारा एक लूट की घटना को पारित किया गया है। अभी हम लोग सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं और उनका एक फोटो भी सामने आया है अपराध कर्मियों का, उसके सत्यापन का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि केस जल्दी डिटेक्ट होगा। व्यापारी समाज के लिए काफी चिंता का विषय है कि मेन रोड में, और रोड भी ऐसा है कि जो चलता फिरता दिन दाड़े मेन रोड में सुनारी मेन रोड इस तरह की घटना होना पूरे व्यापार जगत के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला और आत्मचिंतन करने वाला है कि लोग किस तरह से व्यापार कर पाएंगे, जबकि जमशेदपुर को हम लोग झारखंड के एक सबसे सुरक्षित शहर में मानते हैं। परंतु इसके विपरीत जो वर्तमान में जिला पुलिस टीम है वो काफी अच्छी है और एसएसपी साहब के कुशल नेतृत्व में लगभग सभी कांडों का उद्भेदन हुआ है। घटना की जहां एक तरफ बहुत निंदनीय विषय है, परंतु दूसरी तरफ आशावादी है कि शीघ्रता शीघ्र सारा माल पकड़ा जाएगा और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे।